अभी हम लोग धर्मपानी में पहुंच चुके हैं। ये सामने धर्मपानी है, काट रहे हैं, चुलाई भी हो चुका है, तो कुछ दिनों में यहाँ चुलाई काटने। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी एवरीवन, कैसे हो लोग, आए हो मस्त होंगे। तो चलो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं देवभूमि पैंगिंग खूबसूरत पहाड़ की वादियों से। दोस्तों अभी टाइम सुबह के 7:10 हो चुके हैं और मैं यहाँ से आज पैंग से जोशीमठ जाने के लिए अभी तैयार हो गया। मैंने पैक वैग तो पैक कर दिया है और अब निकलते हैं यहाँ से। दगड़ियों, आप लोगों को जो सामने के पहाड़ दिख रहा है जहाँ से हल्का सा धूप की किरण निकली वो रिसक हुई है, तो आजकल धूप वहीं से निकलता है, तो आजकल यहाँ धूप थोड़ा जल्दी निकल जाता है, तो थोड़ी देर बाद निकलने वाले यहाँ धूप। कहा जाता है कि पहले ऋषि मुनि ऋषि खोई से होते हुए नंदा देवी पर्वत की ओर जाते थे। आप लोग को जो इधर साइड पहाड़ दिख रहा है जहाँ हल्का सा धूप भी निकल चुका है वो गुप्पा है, तो उधर लोग कीड़ा जड़ी के लिए जाते हैं, वहाँ गुप्पा होते हुए उसके पीछे साइड से जाते हैं। अभी हम लोग धर्मपानी में पहुंच चुके हैं, ये सामने धर्मपानी है, तो कल हम लोग यहीं पर आए थे बग्वाल देवता के साथ, तो यहाँ कल हम लोग यहीं ऊपर पाए थे बग्वाल देवता के साथ। यहाँ पर बग्वाल ड्यूटी है, तो बग्वाल देवता घराने के लिए यहीं पर आते हैं। साथ में तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था इसलिए ढंग से वीडियो भी नहीं बना पाया। अभी हम लोग सूर्यधार में पहुँचने वाले हैं, यहाँ धूम निकल चुका है, तो अभी टाइम भी 7:27 होने वाला, 7:30 बजने वाला है, तो यहाँ जल्दी धूप निकल जाते हैं इधर। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं रैनी में, अभी रैनी में धूप नहीं निकला, उधर जोगजू में धूप निकलने वाला है, तो गांव के ऊपर तक धूप आ चुका है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी एवरीवन, कैसे हो लोग, आए हो मस्त होंगे। तो चलो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं देवभूमि की खूबसूरत पहाड़ की वादियों से। तो गाइस आज हमें जाना है लॉन्ग दीदी लो की, वहाँ कल गुड़िया का बर्थडे है। अभी खाना खुना खा ले तो उसके बाद तैयार हो जाता है, अभी टाइम भी 11 बजने वाले क्योंकि ऊपर की गाड़ी जल्दी जाते हैं, यहाँ से 11 बजे निकल जाते हैं। 40 मिनट हो चुका है और मैं अभी तैयार हो चुका हूँ और यहाँ दरवाजे में मैंने ताला तूला मार दिया और अब निकलते हैं यहाँ से। अभी गाड़ी भी आने वाला होगा क्योंकि यहाँ से गाड़ी जल्दी गाय। आजकल यहाँ लोग घास काट रहे हैं, चुलाई भी हो चुका है, तो कुछ दिनों में यहाँ चुलाई काटने स्टार्ट कर देंगे। तो हमारे गाँव पैंग में तो चुलाई आजकल काटने लग गए, और पहले चुलाई काटेंगे उसके बाद घास काटते हैं हमारे। तो यहाँ पहले घास काटने लग गए लोग, तो अभी चुलाई तो इधर कोई नहीं काट रहा। टाइम अभी 11 बज चुका है और मैं यहाँ रोड में पहुँच चुका हूँ, अभी गाड़ी का वेट कर रहा हूँ, तो अभी थोड़ी देर बाद गाड़ी भी आने वाला होगा। अभी टाइम 12 बज चुका है और हम लोग पहुँच चुके हैं तपोवन में, तो तपोवन में मुझे कुछ यहाँ से सामान लेना था, तो चलते हैं दुकान में, थोड़ा सामान सामून लेके आते हैं। अभी हम लोग निकल चुके हैं तपोवन से और तपोवन के बाद गर्म पानी आता है, तो पहली बार जब हम लोग लाता गए थे तो यहाँ गर्म पानी में 1 घंटे के आसपास रुके थे। यहाँ पर उबलता हुआ पानी आता है, पहले तो बहुत ज़्यादा था परंतु अब उबलता हुआ पानी बहुत कम हो गया। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं भलगाँव से थोड़ा आगे और यहाँ पर रोड ब्लॉक है, आगे आप लोगों को दिखवाओ JCB काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा, जैसे JCB हटेगा वहाँ रोड से उसके बाद ही हम लोग यहाँ से आगे निकल पाएंगे। यहाँ से जो सामने गांव दिख रहा है ये ग्वाड़ है, तो तोलमा वाले 3-4 महीने ठंडों के टाइम पर यहाँ रहते हैं, तो बाकी टाइम वो तोलमा रहते हैं। Thank you.
जो हम 2011 के विश्व कप के दौरान देखे थे, जहाँ भारत की जमीन गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं तमक विलेज में, और यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है तमक विलेज। तो अभी हम लोग सीधा चलते ऊपर दीदी लोग के घर में। दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूँ दीदी लोगों के घर में। तो अब जस्ट अभी मैं पहुंच रहा हूँ यहाँ पर, और मम्मी मुझसे पहले पहुंच गई। पैंग्स आई तो पैंग्स से मम्मी बहुत जल्दी निकल गई थी रहने के लिए, तो 11 बजे तक मम्मी रहने में पहुंच गए थे, इसलिए जल्दी गाड़ी मिल गया था, तो जल्दी आ गए। गाइस अभी टाइम शाम के 6 बज चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं नीचे रोड में दुकान में कुछ सामान लेने हैं, तो जा रहे हैं अभी। तो आजकल यहाँ नाव में भी लोग घास काटने लग गए, तो आजकल सुबह उठ के लोग 6 बजे चले जाते हैं घास काटने के लिए। हाँ।